फाइनली रामायण के राम बनेंगे ऋतिक रोशन। जी हाँ, फिल्म मेकर नीतीश तिवारी की अगली फिल्म रामायण को लेकर लगातार खबरों का बाजार गर्म है। इस मेगा बजट फिल्म में राम के किरदार में कौन दिखने वाला है, इसे लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। अब न्यूज पोर्टल डेक्कन क्रॉनिकल की खबर की माने तो फिल्म के लिए ऋतिक रोशन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि वॉर स्टार ऋतिक ने सीक्रेटली इस फिल्म के लिए हाँ भी कर दी है। ये खबर उन फैंस के लिए तोहफा है जो ऋतिक को इस फिल्म में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ सवाल खड़ा हो गया है, और वो ये कि आखिर राम की सीता यानी कि ऋतिक के ऑपोजिट कौन सी हीरोइन कास्ट की जाएगी। खबरें हैं कि ऋतिक की सीता या तो श्रद्धा बन सकती थी या फिर दीपिका पादुकोण। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश और मधु मेहता इस फिल्म की कास्टिंग तब शुरू करेंगे जब वो फिल्म के तीनों पार्ट्स का स्क्रीन प्ले तैयार कर लेंगे। ऋतिक ने तो राम के किरदार के लिए हाँ कर दी है, लेकिन सीता के रोल में श्रद्धा या फिर दीपिका नहीं होने वाली। और तो जो खबरें ये कह रही थी कि प्रभास इस फिल्म में रावण का नेगेटिव रोल करने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से गलत बताई गई हैं। राम जैसे दमदार रोल में जहां फैंस ऋतिक को देखने के लिए एक्साइटेड है, वहीं इस खबर से उन फैंस का दिल तो जरूर टूटने वाला है जिन्होंने रावण के रोल में प्रभास को इमेजिन करना तक शुरू कर दिया था। जबकि दीपिका और श्रद्धा के फैंस भी बुरी तरह से निराश होने वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश की इस फिल्म का बजट 600 करोड़ तक रखा गया है, जो काफी मेगा बजट है।